हाय, आज हम डिस्कस करेंगे सीड्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नट्स के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि नट्स और सीड्स जो कि है वो सर्दियों में सबसे अच्छा सीजन रहता है खाने के लिए। तो इस सीजन में सीड्स या नट्स हमेशा हमें कहेंगे स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो ये एक बेस्ट सीजन होता है नट्स और सीड्स खाने का। वैसे तो हम हलवा और मीठा भी बहुत खाते हैं इस सीज़न में, बट ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो सीड्स है। सीड्स ज़्यादातर जो है वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा, फैटी एसिड्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, और ये एक पैकेज डील की तरह रहता है जैसे कि एक नट्स रहते हैं। बट लेडीज़ के लिए आज जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है सीड साइक्लिंग। लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हार्मोन से रिलेटेड हैं, चाहे वो PCOS, PCOD हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, या पीरियड्स में प्रॉब्लम है, या हैवी ब्लीडिंग है, इन सभी प्रॉब्लम्स में अगर हम सीड साइक्लिंग अपनाते हैं तो वो हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है। तो आज हम पूरा सीड साइक्लिंग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ये है कि हमेशा सीड साइक्लिंग में जो बातें होती हैं वो लेडीज़ से ही रिलेटेड रहती है कि लेडीज़ ये सीड्स खाएंगी तो उनको ये फ़ायदा होगा, ये सीड्स खाएंगी तो ये फ़ायदा होगा, बट ऐसा नहीं है। जेंट्स के लिए भी इनफर्टिलिटी जो होती है वो जेंट्स या लेडीज़ दोनों को हो सकती है। तो उसी तरह इनफर्टिलिटी में जेंट्स के लिए भी सीड्स बहुत ही फ़ायदे होते हैं। फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें जो प्रोटीन और फाइबर है वो जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये अगर जेंट्स भी लेते हैं तो उनको भी इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है। जेंट्स अगर पम्पकिन सीड्स लेते हैं या फ्लैक्स सीड्स लेते हैं तो वो उनके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, स्पर्म्स को भी बढ़ाता है, स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाता है। इसलिए इट्स नॉट लाइक दैट कि सीड्स खाना लेडीज़ के लिए ही ज़्यादा फ़ायदा है और आदमियों के लिए नहीं है। सीड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पर जो सीड साइक्लिंग है ये एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है जो कि अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट ये इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया है क्योंकि इसका फ़ायदा सभी को महसूस हुआ है, चाहे वो मेनोपॉज हो, PCOD हो, पीरियड्स में इम्बैलेंस हो, या पीरियड्स में पेन हो, क्रैम्प्स हो, कोई भी प्रॉब्लम है हार्मोन से रिलेटेड लेडीज़ को उसमें बहुत फ़ायदा करता है। बट ये जेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेट गेन है, आपको ब्लॉकेजेस हैं, इन सब में भी ये हार्मोन्स के अलावा फ़ायदा करता है। इसलिए ये लेडीज़ के साथ जेंट्स भी ले सकते हैं। जो साइकिलिंग की हम बात करें, साइकिलिंग मीन्स पैडल मारना, सेम उसी तरह चार सीड्स का एक ग्रुप है जिसमें हम दो सीड्स पहले लेते हैं फर्स्ट हाफ में और दो सीड्स सेकेंड हाफ में। मीन्स ये 28 डेज की साइकिल होती है लेडीज़ लोगों की। 1 to 14 डेज हम दो सीड्स लेते हैं और 15 to 28 डेज हम सेकेंड सीड्स लेते हैं। 1 to 14 डेज में आप दो कलरफुल सीड्स, ये याद करने का तरीका है, जिसमें चार सीड्स जो कि हैं, जो कि है पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सीसम सीड्स मीन्स तिल, और फोर्थ है सनफ्लावर सीड्स। तो दो वाइट जो कलर की सीड्स हैं, मीन्स सीसम सीड्स सफ़ेद तिल और सनफ्लावर सीड्स, ये दोनों सफ़ेद हैं। तो ये याद करने का तरीका है कि ये सेकेंड हाफ में हमको लेना है सफ़ेद वाले, और फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स जो कि है वो हमें फर्स्ट पार्ट में लेना है। 1 to 14 डेज हमें पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स के एक एक स्पून लेने हैं। कोई भी सीड्स हम खा रहे हैं, मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था, चाहे नट्स हो चाहे सीड्स हो, ये आयुर्वेद के हिसाब से तासीर में गर्म होते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हम एक्सीड करते हैं तो वो नुकसान करती है, चाहे वो सीड्स हो, चाहे नट्स हो, या खाने की कोई भी चीज़। इसलिए हम जब सीड साइक्लिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें डेली एक स्पून दोनों का लेना है, फर्स्ट 1 to 14 डेज में, और 15 to 28 डेज में हमें सीसम सीड्स यानी तिल और सनफ्लावर सीड्स का 1-1 स्पून लेना है। इसमें कोई भी फास्ट रूल नहीं है कि ये खाली पेट लेना है या ये खाने के साथ लेना है, ये आप अपनी रोटी में भी उसको दरदरा पीस के मिला सकते हैं। इसके बाद जो पराठा बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आप अपने स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, ये आप अपने सैलड्स में ऐड कर सकते हैं,
या आप इसे रॉ भी एक एक चम्मच सुबह खा सकते हैं या कभी भी आपको लगे, बट खाना इसे 1 स्पून ही है 1 to 14 days. सेकेंड, आप 14 days के बाद जब 15 to 28 days में खाते हैं तो आपको तिल और सनफ्लावर सीड्स खाने हैं, वो भी 1 स्पून खाना है. बट कईयों का रहता है कि मैम इसमें जिनको पीरियड्स आते ही नहीं हैं वो क्या करेंगे, तो आप बहुत ही सिंपल है, इसे हम मून साइकिल पे जाते हैं, जैसे पूर्णमासी और अमावस्या, फुल मून और नो मून पे. तो फर्स्ट पार्ट मीन्स अमावस्या जो है नो मून से फर्स्ट डे से लेके 15 डे तक जो है नेक्स्ट जब तक पूर्णमासी आती है, तब आपको फर्स्ट 2 seeds मीन पम्पकिन और फ्लैक्स सीड्स खानी है. और जब पूर्णमासी से लेके दोबारा अमावस्या आती है उसमें आपको तिल और सनफ्लावर सीड्स खानी है. ये उन लोगों के लिए है जिनको 3-4 months या 6 months पीरियड्स आते ही नहीं है, या मेनोपॉज का टाइम जबकि कई महीनों तक पीरियड्स आते नहीं है या पीरियड्स लगातार आते रहते हैं, उस टाइम पे अपने को मून साइकिल से सीड्स कंज्यूम करनी है. अब सीड्स के फ़ायदे क्या हैं, वो एक पैकेज डील है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब कुछ रहता है. बट उसके अलावा जो है ये हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल को बैलेंस रखता है. एस्ट्रोजन अगर हमारा बढ़ा हुआ है या कम है दोनों को बैलेंस करता है, और सेकेंड हाफ में भी वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में काम आता है. ऐसा नहीं है कि हमारा बढ़ा हुआ है तो कम कर देगा तो हम कम वाले क्यों लेंगे उसको, ऐसा नहीं है, वो उसे मेंटेन करने में काम आता है, इसलिए हम सीड साइकिल को यूज़ करते हैं. सीड साइकिलिंग ये जो है ये नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की तौर पे आया है, कईयों को एलोपैथी सूट करता है, कईयों को होम्योपैथी सूट करता है. ये एक बहुत ही सुपर इजी, सुपर नेचुरल और सुपर कन्वीनियंट वे का है तरीका, जो कि हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है, इसलिए इसे अपनाना बहुत इजी है. और सर्दियाँ आ चुकी हैं इसलिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस सीड साइकिलिंग. समर में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज कई लोगों का PCOS, PCOD अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और कई सालों से है, 4-5 साल से है, तो आपने उसको बिगाड़ने में जितना टाइम लिया है अपने बॉडी को, उतना महीने आपको एटलीस्ट अपने आप को देने पड़ेंगे. हो सकता है आपका 3 महीने में ठीक हो सकता है 6 मंथ्स में ठीक हो, तो आपको वो चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू रखना पड़ेगा. सर्दियाँ 3-4 महीने, 5 महीने की हैं, उसके बाद भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं. उसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी समर में कि सी साइकिलिंग को किस तरह कंटिन्यू रखना है. बट इस वक्त सर्दियां हैं तो ये सर्दियों के लिए है कि किस तरह से आपको एक एक स्पून लेकर अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करने का तरीका है. अपनी इनफर्टिलिटी है या क्रैम्प्स है या मूड स्विंग्स हैं, क्योंकि हम सभी लेडीज लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम जैसा रहता है कि हमारा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करता है, बट ये एक रेगुलर चीज़ है जो कि हम लोग उसमें कोई भी वो नहीं रहता है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी साइकिल्स है जो उसके कारण हम लोग के मूड स्विंग्स रहते हैं. बट उसे कंट्रोल करने का बहुत तरीका होता है. अगर आप सीड साइकिलिंग को यूज़ करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, PCOD नहीं है, आपको इनफर्टिलिटी नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, इवन देन यू कैन स्टार्ट, बिकॉज थोड़े 2-3 महीने खाने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजली हो जाएगा. कोई पेन है, कमर दर्द है, थाइस पेन है, बैक एक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है. आप अपना कर देखिए, ये बहुत ही अच्छी है, एक नया वो जो आया है, और ये इतना फेमस हो रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इसे अपना रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, इस कोरोना टाइम में भी नेचुरोपैथी का एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका आया था और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया. बिना दवाइयों के, बिना मास्क के भी हम कोरोना से लड़ पा रहे थे, उस टाइम पे भी लोगों ने उसे एक्सेप्ट करा था और ठीक हुए थे. तो इसी तरह ये भी एक चीज़ थी जो कि लोगों ने एक्सेप्ट करी और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस भी हुई, क्योंकि ये बहुत छोटी है दिखने में बट इसके फ़ायदे बहुत हैं, इसलिए इसे अपना लीजिए और कंटिन्यू रखिए. और ये लेडीज़ है, जेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको ही खा सकता है. बस सिर्फ साइकिल जो है वो अगर लेडीज़ अपनाती हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है. जेंट्स भी करेंगे, कोई नुकसान नहीं है. सीड्स को खाने में कोई भी नुकसान किसी को भी नहीं रहता है, बट हाँ
एक्सेस कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ लेने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे फ्लैक्स सीड्स है, आप उसे थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा पीस के आप उसे खाइए, वो ज़्यादा फायदा करता है। फ्लैक्स सीड्स को अगर आप साबित खा लेते हैं तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा पीस कर एब्जॉर्ब आप लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्लैक्स सीड्स को खाते वक्त, क्योंकि वो बहुत ही स्लिपरी टाइप की होती है फ्लैक्स सीड्स जो कि है। बाकी आप कोई भी चीज़ को आप चबा के खा सकते हैं, अगर आप फ्लैक्स सीड्स को भी चबा के खा सकते हैं, अगर आपको टेस्ट इट्स ओके फॉर यू फ्लैक्स सीड्स का टेस्ट, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं खा पाते हैं तो ये दूसरा तरीका है। सो अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए और मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए कि मैं आपके लिए सामने नए नए चीज़ें लेकर आऊँ जो कि ज़्यादातर नेचुरोपैथी से ही रिलेटेड रहेगा, और कुछ चीज़ें जो कि आप के कहने पर मैं बनाती हूँ वो भी आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी।